बच्चों, आज हम आपको बताएंगे पैराग्राफ हेडिंग और ब्रेक का यूज़ कैसे करेंगे आप HTML में। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आप किससे स्टार्टिंग करते हैं, HTML से, और फिर लिखेंगे हेड। और टाइटल में हमने क्या डाल दिया, ये पैराग्राफ डाल दिया, ठीक। फिर बॉडी से स्टार्ट होता है, बॉडी के ही अंदर हम सब कुछ लिखते हैं जो भी लिखना होता है। तो यहाँ पे हमने पी यूज़ किया है और पी इज़ अ टैग फॉर पैराग्राफ, राइट। तो जब पी ओपन किया है यहाँ पर, तो जब हमने ये पोएम लिख लिया, तो उस पोएम के बाद हमने क्या क्लोज कर दिया, पी को क्लोज कर दिया। फिर हेडिंग वन में लिया है राइम्स, हेडिंग टू में पोएम, और हेडिंग थ्री में पोएट्री, और हेडिंग फोर में क्या लिया है, स्टोरी लिया है। अब देखिए, जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट कैसे आएगा, तो सबसे पहले ये हमारी टाइटल बार है, तो यहाँ पर क्या लिख कर आ जाएगा, पैराग्राफ। क्यों? क्योंकि हमने इसको टाइटल बार में यही लिखा है, ठीक है। जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे देखेंगे, ये सारी टाइपिंग हम किस में करते हैं, नोट पैड पर करते हैं, और प्रोग्रामिंग को रन किस में करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे करते हैं। देखिए, तो जब हम पैराग्राफ यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ टाइटल बार क्या आ जाता है, पैराग्राफ में हमने टाइटल में लिखा पैराग्राफ, तो इसलिए यहाँ पे पैराग्राफ आ गया। अब देखिए, हमने पैराग्राफ लिखा है, पी लिखा है, तो इसलिए पोएम कैसे लिख के आ गई, इस तरह से, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। तो इसमें कहीं पर स्टॉपेज नहीं लगा है, और हम चाहते हैं कि पैराग्राफ में लिख रहे हैं। और अब हम आपको बताएंगे कि इस ब्रेक का यूज़ कहाँ पर होगा, ठीक है। ये ब्रेक का यूज़, अब जैसे हमने ये लिखा है रेन रेन, अब रेन रेन के बीच में यहाँ पे हम बी आर किसके लिए यूज़ होता है, ब्रेक के लिए। रेन रेन गो अवे, गो अवे के लिए भी हमने यहाँ बीच में लगा दिया ब्रेक। कम अगेन, फिर हमने लगा दिया ब्रेक, अनदर डे, तो ये हमने ब्रेक कर दिया। तो अब लाइन देखिए कैसे आ जाएगी आपकी, इस तरह से आएगी, रेन रेन गो अवे। क्यों इस तरह से आ रही, क्योंकि हमने इसके पहले यहाँ पे क्या लगा दिया है, ब्रेक लगा दिया। कम अगेन अनदर डे, राइट। अब देखिए हेडिंग का काम क्या है, यहाँ पे हमने हेडिंग वन लिखा है, तो हेडिंग वन में क्या लिखा है, हमने राइम्स लिखा है, तो आपके राइम्स इस तरह से बड़ी बड़ी लिख कर आएगी। हेडिंग वन बहुत बड़ी साइज़ की होती है, ठीक है। सेकेंड में है पोएम्स, हेडिंग टू, तो इस राइम से थोड़ा छोटा पोएम लिख कर आएगा। हेडिंग थ्री आपकी पोएट्री, तो उससे और थोड़ा छोटा पोएट्री लिख कर आएगा। और हेडिंग फोर आपकी क्या, स्टोरी, तो पोएट्री और छोटा होगा। और स्टोरी क्या है, स्टोरी आपकी और छोटी स्मॉल साइज़ में आ जाएगी। तो ये हेडिंग का यूज़ होता है, ठीक है। अब हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि हेडिंग का काम क्या होता है, हेडिंग वन में सबसे बड़ा साइज़ आता है, हेडिंग टू में उससे छोटे साइज़ होती है, हेडिंग थ्री में और छोटे साइज़, और हेडिंग फोर में सबसे छोटा साइज़। तो ये इस तरह से आपका पेज डिस्प्ले होगा, ठीक है।